देखिए, बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था। मैं उनकी पत्नी से मिला और उनकी माताजी से मिला। उनकी पत्नी रो रो के चीख कर जिस तरह से एक ही चीज़ कह रही थी, मेरे पति का दोष क्या था, मेरे ऊपर से मेरा सहारा चला गया, उनकी गलती क्या थी, उनकी हत्या क्यों की गई। और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। बहुत ही पीड़ादायक बात है कि एक नौजवान IPL में काम करने वाले मैनेजर लड़के को और उसको इस तरीके से मार दिया जाता है और कुछ नहीं हो रहा है। सर, आप क्या मांग कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या मांग? जो मांगे हैं हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। दो तीन मांगे उनकी हैं। एक तो अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर वो चिंतित हैं, तो उसका इंतजाम अभी तुरंत करना चाहिए। दूसरा उनका ये कहना था कि 1 करोड़ रुपये का मुआवजा और परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जाए। बहुत ही जायज मांग है। आपने उनका सहारा छीन लिया तो इतना तो करना ही चाहिए आपको। और हाई कोर्ट मॉनिटर्ड SIT या CBI से इसकी जांच कराई जाए। इन बातों को पूरा करना चाहिए। तो तमाम जो मांगे हैं उनको जायज ठहराते हुए मांग की है कि सरकार को सभी मांगों को पूरा करना चाहिए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा भी मुहैया करानी चाहिए। कैमरा पर्सन जितेंद्र सातानुप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। और आइए अब आपको दिखाते हैं विवेक तिवारी की जिंदगी।